आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नवमी है, जिसको सब राम नवमी के दिन के रूप में पूजते हैं। बता दें कि इस दिन माँ सिद्धिदात्री और प्रभु श्री राम की पूजा का विधान है। जहाँ आज के दिन हवन किया जाता है, वहीं कई महत्वपूर्ण चीजें की जाती हैं, जिसकी अपने आप में एक अलग मान्यता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों मनाया जाता है राम नवमी का त्योहार, क्या रहेगा पूजा का सही समय व पूजा की विधि से लेकर कई सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बता दें कि सालों से चली आ रही मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें शारदीय नवरात्र की, तो इस नवरात्र की नवमी तिथि पर भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए समुद्र तट के किनारे देवी भगवती का आशीर्वाद लिया था, तो वहीं दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। वहीं मान्यता ये है कि जब राम जी ने माँ भगवती की पूजा की तो उनको सारे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई, इसीलिए मनाया जाता है राम नवमी का पर्व। जहाँ आपने अभी जाना कि क्यों मनाया जाता है राम नवमी का त्योहार, तो वहीं हम आपको बताने वाले हैं अब आपको राम नवमी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो चलिए जानते हैं। तो बता दें कि राम नवमी आज यानी कि 10 अप्रैल रविवार के दिन मनाई जा रही है। ये तो रही तिथि की बात, वहीं अब नजर डालें शुभ पूजा के शुभ समय पर, तो बता दें कि रविवार सुबह 1:32 से शुरू होकर 11 अप्रैल 2022 को रात 3:15 तक रहेगा। यही पूजा का शुभ मुहूर्त है। जहां आज का दिन भगवान राम के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन की मान्यता ये है कि जो भी इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं इस दिन जहां राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहीं आज के दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, तो वहीं इस दिन हवन में कई तरह के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धर्म से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।